भामरागढ़ तहसील में बाढ़ के कारण नागरिक समस्या से जूझ रहे हैं और इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिससे बेटे की अपने पिता के प्रति प्यार की मिसाल देखने को मिली। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखते हैं ये खबर। दुर्गम अति दुर्गम इलाके में नाव से कावड़ी से मरीजों को अस्पताल तक की यात्रा नई नहीं है, लेकिन 26 जुलाई को भटमार गांव में घायल पिता के लिए बेटे ने दिखाई हिम्मत चर्चा का विषय ठहरा। मालू के ए मज्जी भटमार निवासी घायल पिता का नाम है। जानकारी है कि जिले में 8 दिनों से मूसलाधार बरसात शुरू है, जिसे भामरागढ़ इस नक्सलग्रस्त और अति दुर्गम गांव में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्लकोटा नदी पर बने पुलिया से पानी बहने से अभी तक भामरागढ़ शहर का संपर्क टूटा ही है। तहसील के घने जंगल से दुर्गम अति दुर्गम गांव की स्थिति भी इससे अलग नहीं। दौरान मालूम मज्जी यह 26 जुलाई को हमेशा की तरह खेत में काम करने के लिए गए थे, लेकिन कीचड़ में पैर फिसल जाने के कारण उनके पांव में चोट आ गई, जिससे उन्हें चलना फिरना भी मुश्किल हुआ। दर्द से कराह रहे पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए भटपार से 18 किलोमीटर दूर भामरागढ़ में जाने के लिए दूसरा पर्याय ही नहीं था। कीचड़ में जद्दोजहद करने वाला ही एक पर्याय मार्ग था, जिसे बेटा पुसू मालू मज्जी ने अपने मित्रों की सहायता से खाट की कावड़ बनाई और अपने पिता को उस पर बिठाकर भामरागढ़ के लिए निकला। पुसू मालू और उसके मित्र पामुल गौतम नदी के किनारे पहुंचे। नदी उफान पर थी, लेकिन पुसू मालू और उसके मित्रों ने हिम्मत नहीं हारी और नाव में खाट डालकर नदी पार की। वहां से फिर खाट पर से उन्होंने मालू मज्जी को भामरागढ़ के ग्रामीण अस्पताल में पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की, जिसके बाद एक्सरे निकाला, जिसमें उनका पैर फ्रैक्चर होने का पता चला। इस घटना के बाद न सिर्फ पुत्र प्रेम की चर्चा हुई, बल्कि यह भी सामने आया कि दूरदराज के इलाकों में बाढ़ से मरीजों को किस तरह परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने मालूम मज्जी को पैर की सर्जरी के लिए जिला अस्पताल जाने की सलाह दी। हालांकि गढ़ुरली का संपर्क टूटने से बेटा पुसू मालूम मज्जी निराश हो गया। अस्थायी इलाज के बाद पिता को लेकर वह फिर भारी कदमों से भटपार घर लौटा। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि गणेश मुटकुरवार की रिपोर्ट।